नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान री बाता। मैं सविता। आज इस वीडियो में हम बाल दिवस पर हिंदी में निबंध देखेंगे। शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल ज्ञान री बाता को सब्सक्राइब करें व लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को याद करने के लिए 14 नवंबर को पूरे भारत भर में बाल दिवस मनाया जाता है। ढेर सारे उत्साह और आनंद के साथ हर वर्ष बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये भारत के महान नेता को श्रद्धांजलि देने के साथ ही पूरे देश में बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए मनाया जाता है। नेहरू के बच्चों के प्रति गहरे लगाव और प्यार की वजह से बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों के प्रति उनके प्यार और जुनून की वजह से उनके जन्म दिवस को बचपन को सम्मान देने के लिए बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग सभी स्कूल और कॉलेजों में राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष याद किया जाता है। बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें खुशी देने के लिए स्कूलों में बाल दिवस मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय नेता और प्रसिद्ध हस्ती होने के बावजूद वह बच्चों से बेहद प्यार करते थे और उनके साथ खूब समय बिताते थे। इसे एक महान उत्सव के रूप में चिन्हित करने के लिए पूरे भारत भर के शैक्षणिक संस्थान और स्कूलों में बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूल खुला रहता है, जिससे बच्चे स्कूल जाएं और ढेर सारी गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लें। भाषण, गीत, संगीत, कला, नृत्य, कविता पाठ, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। जीतने वाले विद्यार्थियों को स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जाता है। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करना केवल स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक और संयुक्त संस्थानों की भी है। विद्यार्थी इस दिन पर पूरी मस्ती करते हैं, क्योंकि वह कोई भी दूसरा रंग बिरंगा कपड़ा पहन सकते हैं। उत्सव खत्म होने के बाद विद्यार्थियों को दोपहर के स्वादिष्ट भोजन के साथ मिठाइयां बांटी जाती है। अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जैसे ड्रामा, डांस आदि। इस दिन पर शिक्षक बच्चों को पिकनिक पर भी ले जाते हैं। इस दिन पर बच्चों को सम्मान देने के लिए टीवी और रेडियो मीडिया द्वारा खास कार्यक्रम चलाया जाता है, क्योंकि वह देश के भावी भविष्य होते हैं। बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति है और कल के एकमात्र उम्मीद होते हैं। हर पहलू में बच्चों की स्थिति पर ध्यान देने के लिए चाचा नेहरू ने अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में घोषणा की, जिससे भारत के हर बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके। जय हिंद, जय भारत।